हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेडीहट। एंड आज हम रिव्यू करेंगे टैबलेट कॉम्बिफ्लेम के बारे में, क्या इसके यूज़ है, क्या डोज है एंड क्या साइड इफ़ेक्ट है, सब कुछ जानेंगे आज हम इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक कर दें। तो बात करते हैं हम कॉम्बिफ्लेम टैबलेट के बारे में। कॉम्बिफ्लेम जो कि इसका ब्रांड नेम है और इसका कॉम्बिफ्लेम जो है इसका ब्रांड नेम है, और कंपनी की बात करें हम तो ये स्नैफो कंपनी होती है जो कि इसको बनाती है, जो कि इसका प्रोडक्शन करती है। एमआरपी की बात करें तो हम इसके अंदर ये आपको 45 से 50 रुपये की 20 टैबलेट मार्केट में आराम से किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। एंड बात करें इसके अंदर कंपोजिशन के बारे में, यानी इसके अंदर क्या क्या साल्ट पाया जाता है, तो इसके अंदर आइब्यूप्रोफेन पाया जाता है एंड पैरासीटामोल पाया जाता है। आइब्यूप्रोफेन जो है इसके अंदर वो 325 मिलीग्राम पाया जाता है एंड पैरासीटामोल जो है 400 मिलीग्राम पाया जाता है। कॉम्बिफ्लेम जो कि ये एक ओटीसी मेडिसिन है, यानी आपको ये ओवर द काउंटर किसी भी स्टोर पे मिल जाएगी। बहुत से लोग इसको बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के भी ले लेते हैं। कॉम्बिफ्लेम को बहुत से लोग जो है सुबह दोपहर शाम भी ले लेते हैं, जो कि इसका सही नहीं है, क्योंकि अब जैसे कि मैंने आपको इसमें बता ही दिया है कि आइब्यूप्रोफेन जो है 325 मिलीग्राम पाया जाता है एंड पैरासीटामोल जो है 400 मिलीग्राम पाया जाता है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए, यानी ये 750 या 725 के आसपास बैठ रहा है। अगर कोई व्यक्ति इसे दिन में 3 बार लेगा तो कितनी मात्रा जाएगी, 2000 मिलीग्राम के आसपास जाएगी, जो कि हमारी बॉडी के लिए काफ़ी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो और बात करिए, ये एक नॉन स्टेरॉइड इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, यानी ये स्टेरॉइड ड्रग नहीं है। और बात करते हैं इसके हम यूज़ की, कि इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो अगर बुखार हो रहा हो या सर दर्द हो, सूजन हो कहीं पर भी, या सर्दी जुखाम जैसी दिक्कत में हम दे सकते हैं, या डिलीवरी के बाद जो पेन होता है फीमेल पर्सन को, तो उसमें भी आराम से काम कर जाएगी। पैरासीटामोल जो होता है ये एक एनालजेसिक दवाई होती है या एंटीपायरेटिक एंड एंटी कोगुलेंट मेडिसिन होती है। अब बात करते हैं इसके हम साइड इफ़ेक्ट की, कि इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। एक जो इसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है, ये हमारे शरीर के अंदर जाके वाइट ब्लड सेल्स, यानी जो हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाली होती है, ये उसको जाकर नष्ट कर देता है, जो कि जिससे हमारी प्लेटलेट भी डाउन हो जाती है। तो इसका ये सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है। और काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी है इसके अंदर, जैसे कि कोई अगर पेशेंट इसको ले रहा है तो उसमें नींद भी नहीं आ सकती, बेचैनी हो सकती है, सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है, और प्रेग्नेंट अगर कोई लेडी है तो वो एक बार डॉक्टर के कंसल्ट के बिना इसे ये ना ले। और ये जो है लीवर पर भी साइड इफ़ेक्ट करती है एंड किडनी पर भी साइड इफ़ेक्ट करती है, यानी इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। तो प्लीज़ आप एक बार जब भी इस मेडिसिन को लें तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, क्योंकि आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकता है। अगर डॉक्टर कह रहा है कि आप सुबह दोपहर शाम लें तो सुबह दोपहर शाम भी आप ले सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर आपकी स्थिति को देखकर ही देता है, आप अपने आप से कोई भी दवाई ना लें। बात करें इसकी प्रिकॉशन के बारे में, कि इसकी जब आप इस मेडिसिन को लें तो क्या क्या आपको सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो आप जब भी मेडिसिन लें, ये हो या कोई भी मेडिसिन हो, एक तो सबसे पहले आप उस पर ये चेक कर लें कि दवाई एक्सपायर तो नहीं है, तो एक बार ये चेक कर लें एंड इसको ये देख लें कि इसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, कभी कभी ऐसा होता है कि गोली का रैपिंग खुला हो गया तो उसके अंदर वो दिक्कत कर जाती है, यानी सीलन आ जाती है, एक तरीके से बोलें तो उसके अंदर सीलन आ जाती है, वो भी आप ना लें। आपको मैंने इस वीडियो में यूज़ बता दिया, डोज बता दिया, डोज साइज रह गया। डोज जो है आप इसको सुबह शाम ले सकते हैं, वो भी एक बार डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके। एंड अगर आपको, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।